और आज का जो ये प्रोग्राम होने वाला है वो एक तरीके से एक लाइफ चेंजिंग इवेंट आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। खासकर हम सबसे पहले उन लोगों का वेलकम करेंगे जो फर्स्ट टाइम आज इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो इस अपॉर्चुनिटी को आज प्रेजेंट करने वाले हैं वो डायनेमिक कपल हैं, यंग हैं और उनका ग्रेट माइंडसेट है। इस बिजनेस को लेके बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि जो वो बताने वाले हैं, जो वो दिखाने वाले हैं, उसको सुनने के बाद कोई भी इंसान अपने आप को एक्साइटेड होने से रोक नहीं सकता। वो एक वुमन एम्पावरमेंट कंसेप्ट पे बात करेंगे, साथ में डिजिटल इंडिया को लेके बात करेंगे, साथ में यूथ एम्पावरमेंट को लेके बात करेंगे। अच्छा, हम अगर हम ही बताएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं बस इतना कह सकता हूं कि अगर आप फ्री माइंड से अपने आप को, जैसे आप शरीर के साथ हैं, अगर दिमाग के साथ भी यहाँ रहेंगे अगले 1 घंटे के लिए, तो आपके लिए बहुत ही लाजवाब अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। और अगर हम स्पीकर में बात करें तो अगर राजेश जी की हम बात करें तो वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और अगर हम अंजू जी की बात करें तो एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ कम बिजनेस लेडी या वुमन एम्पावरमेंट। आप उनका कई रूप अभी देखेंगे कि किस तरीके से वो इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और कैसे राजेश जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग एक जोरदार क्लैपिंग से, जो जहां पे हैं, एक जोरदार क्लैपिंग से, एक डिजिटल क्लैपिंग से इनवाइट करते हैं आज के स्पीकर राजेश एंड अंजू चौधरी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओवर टू राजेश एंड अंजू जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा हो सर ने बताया, नाम राजेश चौधरी, गवर्नमेंट जॉब में बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ। और सबसे पहले मैं सभी का वेलकम करूंगा। जो जूम अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, सभी लोग मोस्ट वेलकम हैं। और आज से 4-5 साल पहले जो है इस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहली बार हमने देखा था। और कहते हैं ना कि जब अपॉर्चुनिटी में जो अगर जब बिजनेस की बात होती है तो लगता है कि जैसे बिजनेस का मतलब होता है कि जेंट्स का काम है। तो लेकिन ये बिजनेस ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है वो सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि इसके साथ में एक फैमिली इन्वॉल्व होती है। हम लोग अपनी जिस अपॉर्चुनिटी को वाइफ के साथ में और हमारा बेटा है उसके साथ में हम लोग मिलकर के बिल्ड करते हैं। और आज की डेट में जैसे ज्यादातर लोग जो जॉब में है तो उनको चैलेंजेस मालूम है, जॉब में कितना चैलेंज है और समय का किस तरह का चैलेंज रहता है। तो पिछले जो 4-5 साल से जो बिजनेस बिल्ड को 100% जो है जो लेडी पावर होती है ना वो उनको ही जाता है 100% कि उन्होंने इस बिजनेस को पिछले 4-5 साल से होल्ड करके रखा हुआ है और जबरदस्त तरीके से बिल्ड किया। मुझे जब भी कभी समय मिल पाता है तो मैं सपोर्ट करता हूँ। तो जैसा कि हर घर में एक लेडी होती है ना, तो उनके साथ सबसे अच्छी प्लस पॉइंट क्या होता है कि मल्टीटास्किंग होती है। मल्टीटास्किंग मतलब क्या हो कि किचन में भी काम है वो भी देख रही, बच्चों की पढ़ाई भी देख रही, कोई गेस्ट आ गया तो उसको भी अटेंड करना है, और उस बीच में कोई सामान खत्म हो गया तो हम मार्केट से भी उसको लेकर के और उसके साथ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करना। सोच के देखिए कि मतलब कि जो लेडी पावर होती है ना, तो जैसे एक और एक हम लोग जो है, एक और एक दो नहीं है, एक और एक 11 है। इस सबसे अच्छी चीज है। और जब कभी जब जब कभी जब ड्रीम्स की बात करते हैं तो अगर आप जेंट्स से ड्रीम्स के बारे में पूछोगे तो उनके एक एक या दो ड्रीम्स निकल के आएंगे, सपने जो होते हैं। लेकिन अब जब लेडीज से पूछते हो तो उनके पास बहुत सारे सपने होते हैं। मतलब वो और इस बिजनेस में सबसे उसी वजह से शायद इनके इतने ड्रीम्स है, सपने हैं, और उन सपनों की वजह से ही शायद जो है इस अपॉर्चुनिटी में हम लोग अभी तक जो है अभी तक है इस बिजनेस और जबरदस्त तरीके से। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगा, जो बिजनेस कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर करेंगी वो मेरी वाइफ है, और उनके बारे में उनकी उनको कई कई नाम से मैं जानता हूँ। जैसे कि कहेंगे कि एक तो कहते हैं होम मेकर है, और उसके साथ साथ में क्या है कि बिजनेस वुमन भी है। बिजनेस वुमन के साथ एक लीडर लीडर भी है और एक काउंसलर भी है। तो इन सभी क्वालिटीज को अपने में रखते हुए और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जो है हम लोग मिलकर के वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों की डिजिटल क्लिपिंग के साथ में और इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को, अंजू चौधरी जी को। ओवर टू अंजू। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। मेरा नाम जैसे इन्होंने बताया अंजू चौधरी है, सिंपल हाउसवाइफ। क्या हाउसवाइफ सिंपल होती है आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले ईश्वर और अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से आज मुझे वो संस्कार मिले कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने सारे ग्रेट अपलाइन का धन्यवाद करती हूँ, खासकर मधु मैम और अभय सर का,
जिनकी वजह से आज ये प्लेटफॉर्म मिला है। मेरे दो बच्चे हैं, बेटा मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटी मेरी 12th में है, और इस बिजनेस को भी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक हाउसवाइफ होते हुए भी जो इन्होंने बताया ना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बस ये है कि हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। फ्रेंड्स, देखा जाए तो अगर लेडीज की मैं बात करूं तो वो सारे रिश्ते निभाती हैं, अपने सुख को छोड़ के वो दूसरों के सुख को देखती हैं, अपने दुखों में वो भूल जाती हैं, पर वो क्या करती हैं, अपने सपनों को किसमें ढूंढती हैं, अपने फैमिली में। लेकिन फ्रेंड्स, आज क्या हो गया, आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत औसम है। एक साधारण हाउस वाइफ को आपको एंटरप्रेन्योर बनाती है, सिर्फ इसको आपको और हमें चेक करना है। आज अगर मैं देखूं, इस कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, राइट? उसने हमें ये सिखा दिया कि जिंदगी में हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ। लेकिन आज क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हम सिर्फ आज भी वहीं पे घूम रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, जैसे एक हिरन होता है ना कि वो अपनी कस्तूरी के लिए अपनी उस सुगंध को ढूंढता है चारों तरफ, लेकिन उसको ये नहीं मालूम वो उसके अंदर है। फ्रेंड्स, उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में हर वो लाइफ स्टाइल चाहते हैं कि वो मुझे मिले, लेकिन हम कभी अपने अंदर नहीं देखते। जिस अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा है, आज मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और सबसे बड़ी बात है, मैं आज जो यंग लोग आए हैं, आज जो नए लोग आए हैं, स्पेशली मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि आज की जो यूथ होती है ना, वो अपने ड्रीम्स को फटाफट चाहती है। आज कोई भी है, वो अगर शादी करना चाहता है तो एक हाउसवाइफ से नहीं करता है, एक साथ चाहता है कि वो जॉब वाली हो। क्यों? क्योंकि उनको एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। तो मैं बहुत जल्दी से इसको आपके साथ पीपीटी के साथ इसे स्टार्ट करती हूं, और मैं ये चाहूंगी कि आप इसे सिर्फ ओपन माइंड से देखिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि अम्ब्रेला और पैरासूट तभी काम करता है जब वो खुला रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। किस चीज में? अपनी जिंदगी को संवारने के लिए। तो आप सबका वेलकम करती हूँ इस ब्रिड जूम मीटिंग में, और ये कहा जाए कि यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी है जिसकी तलाश में हम एक मृत तृष्णा की तरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिलेगा कैसे, वो आइए हम देखते हैं। वाय, क्यों करना है? हम जिंदगी में हम व्यस्त तो है, फिर हमें क्यों किसी चीज की तलाश है? लेकिन आज इस कोविड में आप सोच के देखिए, आज बहुत सारे लोग जॉब जा रहे हैं और बिजनेस में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका वाई क्लियर है, मुद्दा क्लियर है। मुद्दा क्या है? मुझे वो अर्निंग घर में लानी है जिसकी वजह से मेरे घर की जरूरतें हो। और इसमें, इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो वाई क्लियर आ जाएगा ना, वो कारण ढूंढना है। कारण क्या है? वो हमारे ड्रीम्स। जब मैं इस बिजनेस में आई फ्रेंड, तो मुझे लगा कि ड्रीम्स सोते समय देखते हैं, लेकिन यहाँ पे पता चला कि नहीं, ड्रीम्स वो होने चाहिए जो अपनी आंखों से देखें। बचपन में बहुत बड़े ड्रीम्स थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जिंदगी में इतने कॉम्प्रोमाइज किए कि ड्रीम्स को हम लोगों ने अपनी उस छोटी सी इनकम में छोटे कर लिए। कोई नहीं, आज नहीं तो कल होंगे, आज हमारे नहीं तो हमारे बच्चों के होंगे। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आई फ्रेंड्स, मेरे फिर से ड्रीमों ने उड़ान भरी। सोचा कि वाकई एक और एक ऐसी जिंदगी में जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं, वो मुझे आज यहाँ पे मिली, जो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। वो सपने हमारे क्या है? एक अपना घर, एक ब्यूटीफुल हाउस। शायद ये एक आपका कारण हो सकता है जिसको मैंने दिखा। जिस व्हीकल से चलते हैं उससे चलना चाहेंगे क्या, या उसके अलावा कोई लग्जरी कार भी एक हमारा सपना हो सकता है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो हम सब अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, पर क्या दे पाते हैं? कारण क्या है? वही इनकम, इसके साथ वर्ल्ड टूर। वाव, मूवी देखो तो लगता है ऑसम, जिंदगी बदल जाएगी, वर्ल्ड टूर जाएंगे, फॉरेन जाएंगे, पर जा पाते हैं क्या? मैंने तो आज तक किसी को भी वर्ल्ड टूर देखा नहीं जाते हुए। लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है आपका, फैमिली टाइम। आज इस कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आज हम अपनी फैमिली के लिए तो सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, उसके लिए ही तो हम अपनी हर चीज कर रहे हैं। अगर मैं आज बात करूं तो यहाँ पे, अगर आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं अपने बच्चों से प्यार करते हैं, है? लेकिन आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? अपनी फैमिली से। लेकिन टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स? आप वहां जाते हैं जहां पे आपको जॉब या बिजनेस करना पड़ता है, क्या उससे प्यार करते हैं? नहीं। आप सब लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मॉर्निंग में जाते हैं और रात में आते हैं तब उनके बच्चे सो जाते हैं, और वो संडे को देखते हैं, आप संडे वाले पापा बन जाते हैं। क्या हर दिन के पापा बनना चाहेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और आज तो मदर के लिए भी चैलेंज है, वो क्रेच में छोड़ती हैं अपने बच्चों को, फिर बाद में उठाती हैं। तो एक कारण हो सकता है अपनी फैमिली के साथ पूरा एंजॉय करना, फ्री टाइम। वाव, ऑसम। अभी मेरे कुछ दिन पहले स्कूल के फ्रेंड्स मिले, मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ एंजॉय करना चाहिए, गाड़ी ली, ड्राइवर लिया और मस्ती करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हो पाता है? ये टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो टाइम हम कहीं और लगाते अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए।
दूसरों की मदद करना, चाहते तो बहुत है पर क्या हो पाती है? सोच के देखिए, जब अपनी नहीं हो पा रही तो दूसरों की, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इस बिजनेस को बिल्ड करना। हेल्पिंग पेरेंट्स, सोच के देखिए क्या पेरेंट्स को हेल्प की जरूरत है? नहीं फ्रेंड्स, उनको आपकी जरूरत है। उन्होंने अपनी जिंदगी के सारी खुशियों को हटा दिया क्योंकि उन्होंने आपकी जिंदगी सवारी। अगर मुझे एक मौका मिले, एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर सकूं। यही पे आने पर मुझे पता चला कि कुछ वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज क्या है? एक फैमिली टाइम होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए, हमारे पास कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, सिद्धांतों से चलना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, एक लेगेसी होनी चाहिए। वहीं पे जो हमारी जरूरत है, हमारा ड्रीम्स क्या है, कार हो, हमारा घर होना चाहिए, वेकेशन होना चाहिए, बच्चों का फ्यूचर होना चाहिए, लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, शेविंग होनी चाहिए और अर्ली रिटायरमेंट होना चाहिए। फ्रेंड, जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा ये नदी के वो दो किनारे हैं जो चलते तो साथ हैं पर मिल नहीं पाते। कारण क्या? वही हमारी अच्छी लाइफ स्टाइल। लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी की आज मैं बात कर रही हूँ, उसे ओपन माइंड से देखिएगा, क्योंकि यहाँ आते ही एक तो हमारा पूरा हो ही जाता है ड्रीम्स, क्योंकि हम दूसरों के सपनों में क्यों बनाने की और उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। होगा कैसे? जो चीज मैंने अभी तक आपको बताई है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ये सारी चीजें आपके लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी आपके लिए मिसिंग है तो फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ज्यादातर हम मनी को कमाने के लिए क्या करते हैं, समय के उस चक्र में घूमते रहते हैं जिसमें मनी भी नहीं मिलती है, समय भी नहीं मिलता अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। इस बिजनेस में जब मैं आई थी तब मैंने इस क्लास 4 क्वाड्रेंट को पढ़ा, जो जिसको रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। उन्होंने बताया दुनिया में चार तरह की ही लीगल इनकम कमाई जा सकती है, ESBI। ई फॉर हमारे जैसे और आप जैसे एम्प्लॉयज होते हैं जो किसी के लिए काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में, वो अपनी स्किल को बेचते हैं और उनको पैसा मिलता है और वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो बहुत अधिक मेहनती होते हैं। वहीं पे अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयज की बात करूं, वो बिजनेसमैन होते हैं जो रोज शटर खोलते हैं और बंद करते हैं। पहले मुझे लगता था कि मैं लखनऊ में रहती हूँ और मुझे लगता था कि जो रोज अपनी दुकान को खोलते हैं बंद करते हैं वही तो बिजनेसमैन है। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बिजनेसमैन की परिभाषा कुछ और है। जो रोज अपनी दुकान खोलते हैं और बंद करते हैं यानी वो कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयज। क्यों? क्योंकि जब वो शटर नहीं खोलेंगे क्या उनके पास पैसा आएगा? चेक करिए, एक डॉक्टर है, अगर वो क्लिनिक नहीं खोलते हैं क्या पेशेंट आएंगे उनके पास? नहीं आएंगे, यानी वो सेल्फ एम्प्लॉयज आते हैं। यहाँ आने के बाद ही मुझे पता चला कि बी फॉर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मतलब बिग बिजनेसमैन जैसे बिरला, टाटा, अंबानी, ये लोग क्या करते हैं? एक सिस्टम बेस्ड इनकम करते हैं और उस सिस्टम बेस्ड इनकम में वो क्या करते हैं, हमारे जैसे इंप्लॉयज और सेल्फ इंप्लॉयज को वो हायर करते हैं, उनको सिर्फ इतनी सैलरी देते हैं कि वो जिंदगी को जी सके, अपने सपनों को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा जो मुझे समझ में आया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इनके नीचे जो 500 से लेके हजारों लोग इनके लिए काम करते हैं, और अगर ये कहीं पे 1 से 2 साल के लिए दूर चले जाए, इवन ये मोबाइल फोन भी ना टच करें, तो भी ग्रोथ होनी चाहिए उनके बिजनेस में। अब आप ही चेक कर लीजिए ना कि जो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयज की बातें बताई थी, अगर वो अपने बिजनेस से 4 दिन भी अलग हो जाए तो वो बिजनेस बिल्कुल डाउन हो जाता है। और इसके अलावा इन्वेस्टर जो पैसे से पैसा कमाते हैं, फ्रेंड्स अगर इन दोनों को मैं बात करूं तो एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में इंप्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज है, राइट साइड में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। मुझे बहुत ताज्जुब लगा कि 94% दुनिया के लोग हमारे लेफ्ट साइड में है और इनके पास जो वेल्थ होती है वो 5% है। इसीलिए आप देखिए जब एक जॉब निकलती है तो लाखों लोग उसको देने के लिए आते हैं, लेकिन वहीं पे बिजनेसमैन में क्या होता है, 5% लोग हैं और 95% वेल्थ है। सोच के देखिए दुनिया की, ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा कारण है, आप उसे चेक भी कर सकते हैं। इंप्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज क्या करते हैं, एक्टिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम, जब मैं काम करूंगा तो पैसा आएगा, और सबसे बड़ी बात है वो अकेले काम करते हैं। अगर बाय द वे किसी डॉक्टर है, आज उनका मन नहीं है, जाओ भाई आप ऑपरेशन करो, क्या उनकी वाइफ ऑपरेशन करने जाएंगी? नहीं, यानी कि यहाँ पे टाइम भी नहीं है और मनी भी नहीं है। वहीं पे राइट साइड में क्या होता है, उनके पास पैसिव इनकम होती है। एक बार वो सिस्टम क्रिएट करते हैं और वो बार बार उनके पास इनकम डालता है, और उनके पास क्या है, टीम वर्क है। टीम वर्क कौन? हमारे और आप जैसे लोग। और उनके पास टाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम होता है। इसीलिए आप देखिए सबसे ज्यादा तनाव में कौन रहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज रहते हैं, लेकिन फ्रीडम इंजॉय कौन करता है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर करते हैं। इस अपॉर्चुनिटी में जब मैं आई तो मुझे पता चला कि मनी कमाने का भी एक फॉर्मूला है, वो क्या है, मनी इक्वल टू रेट इनटू टाइम, यानी कि टाइम हमारे पास 24 घंटे हैं,
उसमें से हम 10 घंटे अपने काम में देते हैं। रेट का मतलब जो मेरी स्किल है, जो हमने स्टडी की है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इनकम आती है, यानी कि इन सब में लिमिटेड है। अगर मैं इंजीनियर हूं तो डॉक्टर नहीं हो सकते, डॉक्टर हूं तो इंजीनियर नहीं, यानी कि अगर कहूं तो टाइम और रेट में से कोई भी एक चीज अगर आपके पास नहीं है तो इनकम क्या होगी? जीरो। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस कोविड ने हमें सब कुछ बताया है। इसके अलावा सबसे स्मार्ट काम किया है बिजनेसमैन ने, उसने क्या किया मनी में, उसने क्या किया स्किल तो वो बढ़ा नहीं सकता, लेकिन उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस स्लाइड को प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, टाइम को कंपाउंड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, किस तरह से, उस नेटवर्क टेक्नोलॉजी से। और उसमें क्या हुआ, ट्रेडिशनल बिजनेस में तो सिंगल काम होता है, लेकिन ये जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ये कहां से आती है, ये डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा हमारे पास आती है। आइए अब हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति अकेले अपनी जिंदगी में कितना काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है सर। मान लीजिए वो 20 साल की एज में आता है और 60 साल तक की एज में वो काम करता है, यानी अपना गोल्डन पीरियड 40 साल वो अपना काम में देता है। किस लिए? अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। अगर वो एक दिन में 10 घंटे काम कर रहा है, एक महीने में 250 घंटे काम कर रहा है, एक साल में वो 3000 घंटे काम कर रहा है, पूरी लाइफ वो फ्रेंड्स 120,000 घंटे ही काम कर पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, बिग बिजनेसमैन क्या होते हैं, हजारों लोग उनके लिए काम करते हैं, यानी अगर 10,000 लोग भी 10 घंटे दे रहे हैं तो एक दिन में उनके लिए कितने घंटे काम हुआ, 100,000 घंटे। और हम सिंगल 120,000 घंटे ही काम कर पाते हैं। तो पैसा कैसे आएगा? पैसे भी वही आएगा कि अगर हम एक्शन करेंगे तो पैसा आएगा, अन्यथा पैसा नहीं आएगा। लेकिन सिस्टम बेस में क्या होता है, सिस्टम हमारे लिए मनी क्रिएट करता है और वो लगातार आता है। अब थोड़ा सा इस पे भी गौर कर लिया जाए कि चेंज होता है ट्रेंड क्या है। 1960 में मैन्युफैक्चरिंग आया, 97 में प्लास्टिक का दौर आया, 80 में कंप्यूटर का था, 90 में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आया, और आज के डेट में अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग का है वो मचा रखा है। आप मानते हैं इस चीज को? और अगर मैं करंट ट्रेंड की अगर बात करूं तो किस पे है सबसे ज्यादा? वेलनेस पे है, ई कॉमर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन पे है, और सबसे इंपॉर्टेंट FMCG प्रोडक्ट। आज कुछ महीनों पहले यानी कि अप्रैल की मैं बात करूं, लॉकडाउन हुआ था, आप लोगों में से कितने लोगों ने क्या चीज खरीदी? क्या किसी ने गाड़ी खरीदी? क्या किसी ने साड़ी खरीदी? क्या किसी ने मोबाइल खरीदा? क्या किसी ने लैपटॉप खरीदा? नो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, सबसे पहले क्या खरीदा, अपने घर की जरूरतें खरीदी, हमारे घर का तेल, साबुन, घर का राशन, प्लस उसके साथ कुछ हमने अपने वेलनेस के सामान खरीदा, राइट? इसी का ही ट्रेंड है। अगर आपको सही से अगर विजुलाइजेशन हो जाएगा तो आप स्मार्ट मनी कमा सकते हैं। और जो जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रही हूँ, मुझे बहुत प्राउड होता है, मैं चाहूंगी कि एक वर्चुअल क्लैपिंग होनी चाहिए एमवे ग्लोबल के लिए। वाह, ऑसम। अगर मैं एमवे की बात करूं तो 1959 में आया, और इस समय इंडिया में ये 3.0 वर्जन है। 1998 में आया, मेकिंग इंडिया है, मेकिंग स्किल इन इंडिया है, वुमेन एंड यूथ एम्पावर है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस को सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके सपने हैं, जो मैंने आपको बताया। अगर आपके सपनों में दम है, अगर आपके सपनों को लगता है कि हाँ, इसमें आने के बाद अगर मैं ओपन माइंड से देखता हूँ तो आपके वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो आपने अभी तक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर मैं एमवे की हिस्ट्री की बात करूं तो ये 1959 में हुआ था, रिस डेवोस और जेवन एंडल ने किया था। वो भी हमारे जैसे एक सिंपल व्यक्ति थे, एक मिडिल क्लास थे, पर उनका एक नए आइडिया ने आज लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। क्योंकि जिंदगी में अगर आप परिवर्तन के लिए तैयार हो तो आप ग्रोथ कर सकते हो, अगर नहीं किए तो क्या है, आप बदल दिए जाओगे। मैं अगर दुनिया की बात करूं तो 110 कंट्री और टेरिटरीज में ये काम कर रही है। अगर इनके टर्नओवर की बात करूं तो 80,000 करोड़ का ग्लोबली इनका टर्नओवर है, 61 बिलियन कमीशन हमारे और आप लोगों के बीच में बांट चुके हैं, सोच लीजिए फ्रेंड्स, और 4,00,000 करोड़ का इनका खुद का एसेट है और डेप्थ फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। अब मैं इनकी प्रोडक्ट की बात करूं, सब कहते हैं एमवे के प्रोडक्ट ऑसम है, क्यों ना हो, क्योंकि उसे 700 साइंटिस्ट मिलके बनाते हैं, देखते हैं, और सबसे बड़ी बात केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है, बायोडिग्रेडेबल है। इसके साथ साथ इनके पास 775 R&Ds हैं। फ्रेंड्स, नेट पे जाके सर गूगल पे सर्च करिएगा, एक R&D को बनाने के लिए कितना झाम होता है, लेकिन इनके खुद के पास 75 है। इसके साथ साथ 450 प्रोडक्ट है, और इनकी सारी चीजें आपको नेट पे सर्च पे मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर मैं एमवे की बात करूं तो सबसे बड़ी बात है, मैं आज आपके सामने बैठी हूँ ना एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के लिए, यानी अगर मुझे कोई एक बिजनेस बनाना है, खड़ा करना है, अगर मुझे हर महीने लाखों लाख रुपए चाहिए तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, करोड़ों रुपए का,
लेकिन आज हमारे मिडिल क्लास के पास इतना पैसा है नहीं। अगर मान लीजिए किसी तरह भी आपने स्टार्ट किया तो क्या होगा, रिस्क सबसे ज्यादा होगा। और अभी आपको उसके लिए लोकेशन देखनी पड़ेगी, सारे गवर्नमेंट की जॉब को देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको क्या होगा, अभी आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ और आपके खर्चे शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पे बिजनेस क्या कर, ये बिजनेस क्यों ऑसम है, क्योंकि ये आपको ओन बिजनेस दे रहा है, आपको एंटरप्रेन्योर बना रहा है। कारण मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और बहुत ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी कैपिटल नहीं लगाना है, सिर्फ एक छोटा सा लो इन्वेस्टमेंट करना है। जब हमने कोई कैपिटल नहीं लगाया तो क्या ओवरहेड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इसके साथ है नो रिस्क, पैसा ही नहीं तो रिस्क क्या होगा, बिल्कुल ही नहीं है फ्रेंड्स। फ्री लाइसेंस, किसी ने भी अगर लाइसेंस ले रखा उससे पूछे ना कितने जाम से निकल के जाता है वो। इसके साथ साथ पूरे इंडिया में इसकी होम डिलीवरी 2000 लोकेशन में होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमारी मदद कौन करती है, एक सक्सेसफुल टीम करती है, BWW एजुकेशन। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आज मैं और राजेश जी जो आपके सामने हैं, सिर्फ इसकी बदौलत है। आप सोच के देखिए ना, आप जिस जगह जॉब करते हो अपने बॉस से बोलो, बॉस कल मैं आपकी जगह आ रहा हूँ, क्या होगा, आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है। अगर आप जॉब बिजनेस करते हैं, आपने कहा बॉस यार आज तुम्हारी शॉप बहुत अच्छी चली, बगल में मैं भी अपनी शॉप खोल लेती हूँ, क्या वो मदद करेगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे लोग आपके सपनों के लिए, आपके लिए मदद करते हैं। आप सोच के तो देखिए, दूसरा पार्ट टाइम में मैं एक हाउसवाइफ, मैं पार्ट टाइम में बिल्ड करती हूँ। अगर एक मैं यंग बच्चों की स्टूडेंट की बात करूं, वो पार्ट टाइम में बिल्ड करते हैं, क्योंकि आपको अपनी प्रेजेंट टाइम की कोई भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना है। नो टारगेट, कोई टारगेट नहीं होता, जहां आप टारगेट लेते हैं वो आप खुद उसको समझ सकते हैं। आपका कोई भी पैसा नहीं लगा, लेकिन इनकम हाई पोटेंशियल इनकम है इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। और ग्लोबली 61 ईयर्स से ये लेगेसी बांट रही है, आप सोच के देखिए। और 100% मनी बैक गारंटी है इनके सारे प्रोडक्ट के साथ। अगर मैं एमवे की इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में ये 5 मई 1998 में आया था, 6 प्रोडक्ट के साथ आया था। और उस समय जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था 100 करोड़ का किया था, 5 ऑफिस थे 1998 में, 150 से अधिक इनके समय टच पॉइंट है, 2000 लोकेशन है, इस समय 39 वेयरहाउस है, 5 ऑफिस है, 1 फैक्ट्री है, 160 प्रोडक्ट है, और सब पे मनी बैक गारंटी है, और 65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और तमिलनाडु मदुरई में इन्होंने प्लांट लगाया है। इनके सारे प्रोडक्ट 100% मनी बैक गारंटी के साथ है, 30 डेज के अंदर 30% यूज करने के बाद। थोड़ा सा सोच के देखिए, आप कहीं से पेस्ट लाते हैं, आपने यूज किया, आपने ओपन कर लिया, आप कहते हो भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, आप वापस ले लो, वो क्या करेगा, आपको भगा देगा, कहेगा भाई अगर नहीं पसंद था तो लाए क्यों, खोला क्यों। लेकिन यहाँ पे क्या, 30% यूज करने के बाद आप वापस कर रहे हैं, सोच के देखिए। कारण क्या है, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट, उनको अपने प्रोडक्ट पे बिलीव है, उनके प्रोडक्ट में दम है, इसीलिए। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, इंडिया में 500,000 से अधिक लोगों को एमवे बिजनेस ओनर बनाया। आप सोच के देखिए, फर्स्ट ईयर जो इनका टर्नओवर था 99 करोड़ का था, आज प्रेजेंट टाइम में 2400 करोड़ का है। फर्स्ट ट्रिप उन्होंने 2000 में बैंकॉक में दिया था, लेकिन आज वो 30 ट्रिप दे चुके हैं। अगर मैं पीएम मोदी की बात करूं, तो उन्होंने ये कहा था हमें सबको आत्मनिर्भर बनना है, जिसके लिए क्या है, मेकिंग इंडिया होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और वुमेन एंड यूथ एम्पावर। फ्रेंड्स, आज मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, हकीकत में देखा जाए ये सारी चीजें जो हमारे प्रधानमंत्री की है उस पर ये काम करता। आप यहाँ देखिए, सारे सीईओ के साथ हमारे भी सीईओ यहाँ पे खड़े हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या बताया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक अप फॉर इंडिया। इसके साथ साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब मैं इनकी अगर प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट ऑसम है, किसी से भी अगर आप बात करते हैं एमवे के बारे में, उन्होंने सब सुना है। लेकिन क्या है कि आज जब हम एमवे की बात करते हैं, बेस्ट है न्यूट्रीलाइट, क्यों, क्योंकि जिंदगी में हम सब लोग आज इम्यूनिटी पावर ही तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन 80 ईयर से ये इम्यूनिटी पावर हमें बांट रहे हैं। इसके साथ साथ हर्ब्स के भी, जो हमारे आयुर्वेद के भी हर्ब्स है, तुलसी वसाका, इन सब की भी रेंज इनके पास है। ब्यूटी केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, वेट मैनेजमेंट प्लस कुकवेयर। एम्बे क्वीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिना तेल के खाना बनाता है फ्रेंड्स, बिना ऑयल के। इसके साथ साथ एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है, फिटनेस ड्रिंक है, हाई क्वालिटी है, नंबर वन ब्रांड है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके साथ साथ 100% मनी बैक गारंटी है। आप सोच के देखिए ना, आपने प्लस पेस्ट लाया, अच्छा नहीं लगा, वापस कर दिए, क्या फर्क पड़ता है, मेरा बैंक में पैसा तो आ रहा है, लेकिन अगर मेरे सपने अच्छे हैं तो मैं इस चीज को देख सकता हूँ। मुझे जो सबसे अच्छी चीज क्या लगी, आप सोच के देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा चेक करिए, मैंने
पेस्ट बदला और मैंने ग्लिस्टर यूज किया, मेरा बिजनेस स्टार्ट। मैंने साबुन यूज किया, मेरा बिजनेस स्टार्ट। क्या आप ये सोच पा रहे हैं? क्या आपको वो दिखता है? क्यों? क्योंकि आगे की जो स्लाइड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिसमें आपका कुछ भी नहीं लग रहा है, इस स्लाइड को प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारा झाम यहीं पे है, सारा मुद्दा यहीं पे है। कारण क्या है, सोच के देखिए। हम जो अर्न करते हैं, पैसा जो कमाते हैं, हम वो क्या करते हैं? हम खर्च करते हैं। हम खर्च कहाँ करते हैं? हम उसे मार्केट में खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी वो जरूरत है। यानी कहा जाए, मैन्युफैक्चरर एक होता है और एक कस्टमर होता है। ये क्या करते हैं, वो हमारे लिए सामान बनाता है, हम उस सामान को खरीदते हैं, और वो आता हमारे पास कैसे? इन मिडल मैन और एडवर्टीजमेंट के द्वारा। यानी कि कहा जाए 40 रुपए में सामान बना और हमारे पास 100 रुपए का आया, तो क्या मतलब इतना 100 रुपए में क्यों मिला? फ्रेंड्स, इसलिए मिला क्योंकि 60% पैसा वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचाने के लिए ये लोग, बीच के लोग ले जाते हैं। इसीलिए तो ठंडा ठंडा कूल कूल उनके पास करोड़ों रुपए गया, इसलिए वो ठंडे हो गए। और हम क्या थे, 100 रुपए देखकर हम कहां पहुंचे? कष्ट से मर। हम जिंदगी भर मरते रहते हैं, क्योंकि जिसने नाम रखा उसने सही रखा। कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो कस्तूरी का जो मैंने उदाहरण दिया था, हमें अपनी आप को पहचानना है। कारण ये 60% पैसा, आज आप जाइएगा और चेक करिएगा, आपने अभी तक जो भी अर्निंग की है आज तक, उसका कैलकुलेशन करिएगा। 60% पैसा जो आपका है वो इन मिडिल मैन के पास है। इसीलिए आज इनकी लाइफ स्टाइल वो है जो हमारा सपना होता है। इन्होंने देखा, कस्टमर ने, कि बीच में जो लोग हैं उन्होंने स्मार्ट वर्क किया। उन्होंने क्या किया, बिग बाजार लिया, स्पेंसर लिया, ऑनलाइन मार्केट आ गया, अमेजन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया। ये सब हमें क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं और हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन क्या इनकम आ पाती है? बिल्कुल नहीं। यहीं पे जिस डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें एम्वे की बात करी, उसने कहा इन मिडिलमैन की कोई जरूरत नहीं, इनको आप हटा दीजिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग सामान ना बनाए और कस्टमर ना खरीदे तो इन बीच के लोगों का कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। एम्वे ने कहा कि मैं भी आपको आपकी जो जरूरत की चीजें वो मैं आपको देता हूँ डायरेक्ट, और जो आपका 60% जो आपकी गाड़ी कमाई है, जो आपका खर्च हो रहा, उसको मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता हूँ, अगर आप चाहो तो। सोच के देखिए ना, जो मैंने खर्च किया वो तो मेरा पास्ट हो गया, लेकिन आज क्या होगा, जो मैं उसी पास से अपना फ्यूचर बना सकता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये कस्टमर को, कंज्यूमर को एक पावर देते हैं जिसे कहते हैं प्रोज्यूमर पावर। यानी कि मेरा खर्चा मेरा बिजनेस। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको सिंपल थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि सिस्टम बेस्ड इनकम क्या होता है। आज हमारी जिंदगी में ओला, ट्रिवेगो, जोमेटो का बहुत हाथ हो चुका है। कारण क्या है, हम कस्टमर हैं, हमें अपनी वैल्यू नहीं मालूम, हमें जरूरतें चाहिए, हमें कहीं जाना है तो वो हमें कार प्रोवाइड करा देते हैं, वो होटल दे देते हैं और थोड़ा हमारा खाना दे देते हैं। यही तो करते हैं, क्योंकि हमें हर चीज आराम से चाहिए और हम क्या करते हैं, उसे पे करते हैं। वहीं पे, यहाँ पे हम आपसे ये कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमारा है और जो हम आपको आपकी जो जरूरतों का सामान है, यानी FMCG प्रोडक्ट, वो सारी चीजें हम आपको पे करेंगे। यानी कि जो आपकी लाइबिलिटीज है, जो जरूरतें हैं, वो हमको देंगे और हम आपके उसी पैसे को एसेट में क्रिएट कर देंगे, अगर आप चाहो उस प्रोज्यूमर पावर के। थोड़ा सा इधर की तरफ अगर आप देख लो तो आपको समझ में आएगा। यानी कि मैं अगर 100 रुपए भी खर्च कर रहा हूँ और मैं 300 लोगों का एक मेरा नेटवर्क है, अगर मेरे 300 है तो मैंने मल्टीप्लाई 300 लोगों से और कर दिया, यानी 90,000 लोग का मेरा नेटवर्क है, और वो अगर 100 से 150 रुपए भी खर्च कर रहे हैं एवरेज, तो उनके उनका जो टर्नओवर हो रहा है वो 1 करोड़ का हो रहा है। सोचिए, इसका 60% पैसा ये बीच वाले ले जाते, यानी 60 लाख, और यही आपका नेटवर्क बन सकता है फ्रेंड्स। अब आती है मुद्दे की बात, यानी जो मैंने अभी तक बताया उसको बहुत ध्यान से, बहुत समझ के देखा आपने। एम्वे ये कहता है कि मैं भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, 30 से 40% मैं भी ले जाऊंगा, GST पेड करता हूँ क्योंकि मैं लीगल कंपनी हूँ, और वो आपको 6% रिटेल मार्जिन देते हैं और 8% वो कैशबैक देते हैं, और 20 से 31% आपको वो बोनस देते हैं, और इसके साथ 11 वो लीडरशिप बिग बोनस देते हैं। आप सोच के देखिए, अभी तक जहां आप खर्चा कर रहे थे, क्या कभी उससे पैसा वापस आ रहा था? नंबर एक, आपका जो खर्च है क्या वो फ्यूचर में वापस आ सकता है? नहीं, लेकिन यहाँ से आ सकता है। जो मैंने देखा उसमें उन्होंने क्या किया, 60% सिंपल से अगर मैं आपसे बात करूं तो दो ही तरह के ही बिजनेस में जरूरत होती है लोगों की, एक होती है लोगों की और एक होती है प्रोडक्ट की। एम्वे में ये दोनों ही है। क्यों दोनों है? क्यों?
क्योंकि हम लोगों के सपनों को पूरा करते हैं, उनकी वो जरूरतें, उनकी वो हसरतों को पूरा करते हैं जो वो जिंदगी में दौड़ते रहते हैं एक मृग तृष्णा की तरह। और उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट के माध्यम से हमें एक उन्होंने स्लैब बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप इसे टर्नओवर के बेस में, इन्होंने बताया अगर आप 20,000 का टर्नओवर करते हैं महीने में तो आप 3% होते हैं, 60,000 का करते हैं तो आप 6% होते हैं, 1,20,000 का करते हैं तो 9% होते हैं, 2,40,000 का टर्नओवर करते हैं तो 12% जाते हैं, 4,00,000 का टर्नओवर करते हैं तो 15% जाते हैं, और 7,00,000 का टर्नओवर करते हैं तो 18% जाते हैं, और जब आप 10,00,000 का टर्नओवर कर लेते हैं तो 21% जाते हैं। अब मेरा ये सवाल है, क्या कोई 10,00,000 का टर्नओवर करेगा? नहीं कर सकता। लेकिन अगर 1% की बात करूं तो यस, आप कर सकते हैं। यानी जो मैंने अभी तक समझा बताया आपको, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल पैसा कहाँ पे बहुत ज्यादा, वो 60% पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर हो गया होगा, वो भी सोच रहे होंगे चलो यार अब तो मैं कुछ करके देखता हूँ। यानी अगर आपने डिसाइड किया तो क्या होगा, आपको एमवे कहता है मैं आपको पहचानता नहीं, आपको किसी ना किसी स्पॉन्सर के थ्रू मेरे से आना पड़ेगा विद अपने केवाईसी के द्वारा, और आपको आने के लिए और आपको एक बिजनेस ओनर बनाने के लिए एक हमारी यूनिवर्सिटी है BWW, मैं चाहूंगी एक वर्चुअल क्लैपिंग होनी चाहिए। फ्रेंड्स मैं फिर से ये बोलती हूँ, अगर ये हमारी यूनिवर्सिटी नहीं होती तो शायद आज मैं और राजेश जी आपके सामने नहीं आते। चैलेंज बहुत होते हैं, हर बंदे के जिंदगी के चैलेंज है, उसे ओवरकम करेंगे कैसे? दुनिया में कोई भी पॉजिटिव बहुत कम बोलता है, सब निगेटिव बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी सोच बदलती है कैसे। ऐसे ही इस फंक्शन में मैं भी ऐसी एक फंक्शन में आई थी, आप लोग लकी हैं कि आप लोग घर में बैठ के जूम पे देख रहे हैं, हम लोग जाते रहते हैं हिंदी संस्थान में और हम जाके वहां पे उस फंक्शन को देखा तो मेरा विजन क्लियर हुआ। सीडी है, सीडी किन की होती है? हमारे और आप जैसे लोग होते हैं, साधारण व्यक्ति होते हैं वो असाधारण बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सपनों में दम किया और उसे लेके उड़ान भर लेते हैं। संकट तो आता ही रहता है, लेकिन जब उनकी आज लाइफ सिग्निफिकेंस हो गई है तो उनकी एक सीडी बन गई। हमारी भी एक होप है कि हमारी भी सीडी बन जाएगी। नेक्स्ट बुक, हम सब लोगों ने बुक्स पढ़ी है, आज जहां पे भी आप वहां पे स्टडी की वजह से तो है, लेकिन तब भी हमारी बहुत सारी जरूरतें बाकी हैं, हमारे बहुत सारे सपने बाकी हैं। तो क्या होता है जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारी सोच भी उनकी जैसे हो जाती है जिस तरह से हम चाहते हैं। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों से कनेक्शन लिया, सिस्टम को सीखा और एमवे से हमने प्रोडक्ट यूज किया। मान लीजिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ, 10,000, 10,00,000 का तो हम नहीं कर सकते लेकिन 1% कर सकते हैं ना। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स, किसी की पॉकेट होगी, किसी का 1,000 है, किसी का 2,000 है, किसी का 500 है, फर्क ये नहीं पड़ता फ्रेंड्स मेरी पॉकेट का साइज कितना है, फर्क ये पड़ता है क्या मेरे सपनों में दम है। जब मैं उन सपनों को सोचता हूँ तो मेरे दिल में दर्द होता है, मेरी आंख में आंसू आता है। अगर ऐसा सपना है तो ये बिजनेस में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मान लीजिए आपने 10,000 का सामान खरीदा और उसे यूज किया, कुछ रिटेल किया, आपके बैंक में 1,800 रुपए आए फ्रेंड्स, 1,800 रुपए किसी की ये सैलरी होती है। आप सोच के देखिए, अगर कई आज के डेट में आपका 1,800 रुपए खो जाए आप 4 दिन याद करोगे क्योंकि वो आपकी गाढ़ी कमाई होती है। अब आपको अच्छा लगा तो आपने क्या किया, हमारा सिर्फ दो ही काम है इस फ्रेंड्स इसमें, एक हमें लोगों को देखना, लोगों से चर्चा करना और खर्चा करना। खर्चा तो ऑलरेडी हमने किया, हम मनुष्य हैं, हम बिना कहे रह ही नहीं पाते, तो हमने आपको इससे पहले वाली साइट में बताया था आपका 90,000 के आपका नेटवर्क है, हम कहते हैं उसमें से चलिए 6 लोग आपके साथ आ गए, 6 लोगों के भी घर का खर्चा चेंज हुआ, उन्होंने 70,000 का टर्नओवर किया, आपका पूरा ग्रुप मिला के 5,400 रुपए आपके पास आए। सोचिए आपने सिर्फ आज से पहले जहां पे भी काम कर रहे थे क्या वो आपके पास पैसा आ रहा था? नहीं आ रहा था। यहीं पे कुछ आपने और टीम बनाई जिन्होंने कुछ और टर्नओवर किया, 31 लोग हो गए, उन्होंने भी 10,000 का सामान किया और एवरेज जो होता है वो हम कह दें कि आपका मिला लीजिए 32,000 रुपीज आपके पास आया एक्स्ट्रा। याद करी मैंने जो पहले स्लाइड में थी, पार्ट टाइम में 1 से 2 घंटा देने के बाद, कोई टारगेट नहीं, उसके बाद 32,000 रुपए। फ्रेंड्स आज की डेट में इस 32,000 के लिए लोगों ने अपनी डिग्री को भी दांव पे लगाया है। इसके आगे अगर मैं एक और बात करूं वो होता है कि अगर ऐसे करके धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ गई और 3 लोग हो गए और सबने 10,000 का टर्नओवर किया और सबने अपने घर का खर्चा बदला और आपका जो आपके पास जो पैसा आता है 1,66,800 रुपए। फ्रेंड्स सोच के देखिए, मेरा बेटा है ना, मैंने बताया था वो बीटेक में है, वो जब फर्स्ट ईयर में गए जितने फ्रेंड्स वहां मिले बोले यार जिंदगी सेट मस्त, क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था यार इंजीनियर बन रहा है 1,00,000-1,50,000 की इनकम आएगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, क्या वो इनकम मिल पा रही है, क्या वो पैकेज मिल पा रहा है?
फ्रेंड्स बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस समय सबको ये सोचने में मजबूर कर दिया कि आपके पास एक बी ऑप्शन भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे आप आते हैं आप सिल्वर प्रोड्यूसर हो जाते हैं, ऐसे ही अगर आप 10 लाख का टर्नओवर 3 बार करते हैं तो आप गोल्ड होते हैं, 6 बार करते हैं प्लैटिनम होते हैं, और 12 महीने करते हैं तो फाउंडर प्लैटिनम होते हैं। फाउंडर प्लैटिनम की जो इनकम है साल की वो है 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा। इस पैकेज पे सोचिए कौन होगा, आप चेक करिए। जो भी हमारे मेरे बेटे बताता है कि जो कंपनी आई है वो 15 लाख के पैकेज में कितने बच्चों को ले गई। अगर ये साइड से, फिर मैंने आपको वो पुरानी स्लाइड दिया, ये साइड से पार्ट टाइम में फ्लेक्सिबल टाइम 1 से 2 घंटा देने के बाद 15 लाख रुपए की इनकम आई तो क्या आपके सपने पूरे होंगे? ऑफ कोर्स सपने पूरे होंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देती हूँ कि आपके नीचे कोई ना कोई एक सिल्वर जाएगा, जैसे ही वो 60% जाएगा वैसे ही आप इस समुद्र 11% में आ जाएंगे लीडरशिप बोनस में। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, एम्बे कहता है आपने एक लीडर क्रिएट किया, उसकी जिंदगी सवारी, उसके सपने पूरे किए, आपको उसकी उसके बिजनेस वॉल्यूम का 6% यानी 48,000 रुपीज और मिलता है, यानी आपकी 2 लाख की इनकम। बहुत सारे लोगों ने विजुलाइजेशन कर लिया होगा, करना भी चाहिए, मैंने भी किया था। अब मैं आपको बताती हूँ आपने क्या ड्रास्टिक चेंज कर दिया और आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। कैसा सिस्टम, मैंने आपको बताया था ना ESBI, B for Businessman, यानी वो एक सिस्टम बेस्ड इनकम करते हैं। आपने भी एक सिस्टम बेस्ड इनकम स्टार्ट कर दिया एमवे के साथ, नंबर दो। दूसरा क्या था, आपके नीचे भी टीम वर्क होने लगा, आप अकेले काम नहीं कर रहे, सब अपने अपने सपनों को लिए आए हैं, सब अपने अपनी इनकम को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपने एक टीम वर्क किया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था ना कि टाइम को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उस बैरियर को तोड़ना है 24 घंटे के। फ्रेंड्स आपने तोड़ दिया, देखिए कितना इजी। ये कैसे तोड़ा, 100 लोग भी अगर 2 घंटे काम कर रहे हैं आपके लिए 200 घंटे हुए, यानी आप क्या बन गए, बिग बिजनेस ओनर। अगर मैंने देखा तो एक दिन में क्या कुछ होता है नहीं फ्रेंड्स, धीरे धीरे। आपने अगर कोई डॉक्टर है उसने 5 साल लगाए तब जाके उसने ऑपरेशन किया, कोई अगर इंजीनियर बना तो उसे 4 साल लगे, पैसा लगा। यानी कि इस बिजनेस में अगर आपने 1 से 5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल अगर दिया तो जो आपके सपने वो सारे पूरे हो पाएंगे। और अगर आपने ऐसे 3 लोगों को सिल्वर प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम बना दिया तो आपकी इनकम होती है 35 लाख रुपए और आप फाउंडर एमरल्ड होते हैं। सोच के देखिए, ऑसम, पार्ट टाइम में 2 घंटा देने के बाद। ऐसे ही अगर आपने 6 लोगों को फाउंडर प्लैटिनम बना दिया तो आप क्या होंगे, फाउंडर डायमंड, जिसकी 80 लाख रुपए की इनकम। ये इनकम मैंने आपको इस पहले की जो स्लाइड में क्या बताया था, सिस्टम बेस्ड इनकम है, जो सिस्टम है वो हमारे लिए बार बार इनकम देगी। फ्रेंड्स यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन लगता है खत्म हो गया, नहीं फ्रेंड्स यहाँ से तो वो शुरू हुआ है। मुझे मालूम है जितने भी नए लोग आए, नए बंदे आए, वो सब इस समय अपने आने वाले फ्यूचर को 5 साल के लिए देख चुके होंगे। क्यों करना है, वाई, फिर मेरा वहीं पे ये प्रश्न आता है। अगर आपका वाई मुद्दा क्लियर है ना तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपके लिए कहाँ जाना है। आज उसी पैसे को कमाने के लिए आप अपनी फैमिली से दूर जाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा भी, जिन्होंने आपको बुलाया जरूर उनसे मिलिए फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने आपके सपनों को पूरा करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी में बुलाया है। और होना क्या है, एक आपका घर अपना मिल सकता है, आपको एक अपनी फॉरेन ट्रिप मिल सकती है जो आप चाह रहे थे। सोच के देखिए, प्रोडक्ट यूज करने के बाद और आपने सिर्फ क्या किया, अपनी शॉप ही तो बदली, आप खुद के बॉस बन गए। लेकिन जहां बनना चाहते हैं वहां क्या होता है, आप जिस बॉस को बनना चाहते हैं वो बॉस से आपको बहुत प्यार नहीं है, लेकिन हम वही बनना चाहते हैं। फ्री टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ्री टाइम मौज मस्ती करना अपनी फैमिली के साथ, जहां मन हुआ अपनी फैमिली को उठाया और चल दिए। कम्युनिटी, अपने लोगों की मदद करना, अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे। अर्ली रिटायरमेंट, सोच के देखिए ना, अर्ली रिटायरमेंट के लिए क्या जरूरी है, 60 साल का होना या 5 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम आना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेक करना होगा अपने आप को, क्योंकि यही तो मेरे ड्रीम्स है। और फ्री टाइम, स्ट्रेस, तनाव के बिना, आज देखिए काउंसलिंग करानी पड़ती है छोटे छोटे बच्चों की। क्यों करानी पड़ती है, क्योंकि प्रेशर इतना है, क्योंकि उसको भी जिंदगी जीनी है। और क्या होता है, हम परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। फ्रेंड्स जो मुझे जानते हैं उनको मालूम है मैं कैसी थी, मैं ऐसी नहीं थी, क्योंकि आज मेरी सोच किसने बदली, इस एसोसिएशन ने बदली, इस एमवे बिजनेस ने बदली, क्योंकि यहाँ एक होप है। लोग कहते हैं ये साबुन का बिजनेस है, नहीं फ्रेंड्स, ये साबुन का नहीं, ये सोप का नहीं, ये होप का बिजनेस है, अगर आप समझ सके तो। इसके बाद क्वालिटी टाइम, वाह, फैमिली के साथ,
जो मैंने आपको बताया था ना, संडे वाले पापा नहीं बनना है या क्रश में अपने बेबी को नहीं छोड़ना है, आप हर दिन के पापा मम्मा बन सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारी केयर की थी, आप भी कर सकते हो। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप उसमें अपने आप को कितना देखते हो। बैंक बैलेंस कल्पना भी नहीं की होगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप नेट पे गूगल पे सर्च करिए बैंक बैलेंस अथक, अगर आप चाहो तो। इसके साथ गुड हेल्थ, फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, मेरे पापा बहुत जल्दी 90 में डेथ हो गई थी, अगर उनकी सेहत अच्छी होती तो आज वो मेरे साथ होते। हम अपनी सेहत को दांव पे लगाते हैं, कहां पे? जहां हम पैसा कमाने जाते हैं। आज बहुत सारे लोग करें, मैं उनको सलूट करती हूँ, क्योंकि उनको अपनी फैमिली से प्यार है, लेकिन सेहत, एक बार राजेश जी बोलते हैं, एक बार सेहत चली गई तो वो जिंदगी में कभी नहीं आती, चाहे आपके पास करोड़ों रुपए हो। चैरिटी, अभी तक हम किसी की मदद नहीं कर पाते थे, आज हम चैरिटी कर सकते हैं। लेगेसी, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेरा ड्रीम है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस बिजनेस में, जब मैं ऐसे एसोसिएशन में आई तो मुझे पता चला कि हमारे पास सेकेंड हैंड नहीं है, हमारे पास वो लेगेसी नहीं है। वो जॉब सिक्योर हो सकती है, वो कुर्सी सिक्योर है, लेकिन उस पर बैठने वाला बंदा कभी सिक्योर नहीं है। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, क्योंकि मैं एक कहना चाहिए ना हाउस वाइफ हूँ, और आप सोच के देखिए, जितने भी अर्निंग मेंबर हैं, जो अर्निंग करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आज आप अपनी फैमिली को सोते हुए देखिएगा, अपनी फैमिली को देखिएगा, वो चैन की नींद सो रहे होंगे। क्यों सो रहे होंगे फ्रेंड्स? क्योंकि आप हो, आप हो। क्यों हो? उसे कल की चिंता नहीं है, क्योंकि आप खड़े हो। उस पिक्चर से अपने आप को हटा के देखिए, उनके पास नींद नहीं आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें कल की क्या, आज की चिंता सताने लगेगी। इस कोविड ने बहुत कुछ दिया, मैंने देखा है, जो बच्चा एक छोटा सा था 12th क्लास का, वो दूसरे दिन ही बड़ा हो गया, बहुत दिल से देखा है फ्रेंड्स। आपकी फैमिली है, आपको उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके लिए कभी भी, आप अपनी फैमिली को दुखी नहीं देखना चाहते। अगर मैं लेडीज की बात करूं, आज मेरे बच्चे को चोट लग गई, हम पूरे रात जगते हैं, लेकिन आने वाले जब वो बड़ा होगा और जब उसके साथ चैलेंज आएगा, तब बहुत बुरा लगता है। हमारे पेरेंट्स से पूछिए ना। तो आप अपनी फैमिली में अपने ड्रीम को जगाइए, और ड्रीम कैसे जगेंगे फ्रेंड्स, वो जरूरतें कैसे होंगी, इस बुक्स के द्वारा, जिस बुक्स को पढ़ के आज मैं आपके सामने हूँ। क्योंकि जहां पे भी हम पहुंचे ना, वो बुक्स ही तो पढ़ के पहुंचे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो मैं रिकमेंड करूंगी, प्लीज जरूर पढ़ेगा, बिजनेस स्कूल 21वीं सदी का व्यवसाय, जवाब सवाल ही जवाब है, वी यू कैन विन। सोच के देखिए, हम अपने पूरे पैसे को, जो होता है 100% पैसे को, अपने शरीर पे, अपने ऊपर खर्च करते हैं ना, खाने के लिए, पहनने के लिए। क्या माइंड को कभी हमने खिलाया कुछ? लेकिन अगर आप इसको खिलाएंगे तो क्या होगा, आपकी जिंदगी बदलेगी। बाद में हमें फोकस किस पे करना है, सिर्फ ये तीन चीजें अगर आपने फोकस कर लिया, आप अपने ड्रीम को हासिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। हम आस रखते तो है, आप जहां भी जॉब जा रहे हो, बिजनेस जा रहे हो, पेशेंस ही तो रख रहे हो। एक किसान है, वो एक पेड़ बीज बोता है आम का, और वो उसे 4 से 5 साल लगता है, वो पेशेंस रखता है, लेकिन जब फल आते हैं तो वही नहीं, आने वाली 3 पीढ़ियां भी उस फल को खाती हैं। तो इसी तरह इस बिजनेस में अगर आपने थोड़ा पेशेंस रखा, 4 से 5 साल का भी पेशेंस रखा, तो आप भी वो फल और आपकी आने वाली 3rd generation भी वो फल खा सकती है। प्रायोरिटी सेट करनी है, सबसे पहले जहां से आपकी अर्निंग आ रही है, जहां आप जॉब जा रहे हो, जो बिजनेस है आपको, उसे नहीं डिस्टर्ब करना है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि उससे मेरे घर की जरूरतें पूरी होती हैं, मेरी फैमिली की जरूरतें होती हैं। सेकेंड प्रायोरिटी मुझे रखनी है, अपनी फैमिली रखनी है, क्योंकि उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। और थर्ड प्रायोरिटी में हम इस एम्बे बिजनेस को रखते हैं। आप सोच के देखिए, प्रायोरिटी सेट करने का एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। मान लीजिए आप जॉब जा रहे हो या बिजनेस जा रहे हो, सडनली आपको पता चला आपके घर में बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, या जहां आपके पेरेंट्स रहते हैं उनको तबियत खराब हो गई। अब बताइए आप क्या करेंगे, क्या आप जॉब जाएंगे या बिजनेस जाएंगे या अपने फैमिली के पास जाएंगे, अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे? आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, व्हीकल मिले या ना मिले आप अरेंज करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई फ्रेंड्स। जिस दिन इस तरह से, जिस कहा ना मैंने स्टार्टिंग में, कि जो जिस दिन जिस सपने के लिए, जिस ड्रीम को आप चाह रहे हो, अगर आपने उसको अपने दिल से सोचा और आपकी आंख से आंसू निकला फ्रेंड्स, वही इस बिजनेस में वही बंदे का सपना पूरा हो सकता है। इसके बाद कल जो होता है वो होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट वाह, विश्वास। हम विश्वास ही तो करते हैं, एक बार अपने ऊपर विश्वास करके देखिए ना, एक बार जिन्होंने आपको बुलाया आप उन पर विश्वास करके देखिए ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी 3 पीढ़ियों के पास वो लेगेसी आ सकती है, जो मैंने बताया करना क्या था, पार्ट टाइम में करना, शॉप को चेंज करता। अगर मेरे पास वो उतनी इनकम आ जाए जितनी मेरी इस समय परमानेंट इनकम है, तो कैसा लगेगा? विश्वास हम सब जगह करते हैं। हम सब लोग ने ट्रेन पे और प्लेन पे सफर किया है, क्या कभी किसी ने जाकर देखा कि ये चला कौन रहा है, बंदर या इंसान? विश्वास किया।
हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, हमारे सामने खाना आता है, वाव 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 करके बहुत सारा अच्छा है, टेस्टी है, अगर उसमें जहर हुआ तो नहीं, आपको मालूम है, विश्वास है। इसी तरह इस बिजनेस में आपका विश्वास रहेगा तो आप अपनी सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के थोड़े से ड्रीम जगे। बार बार मैं ये कहूंगी, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन्होंने आप बुलाया उनको थैंक्स जरूर बोलिएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर कोई अपने अवतार में नहीं आता, वो किसी ना किसी व्यक्ति के रूप में आपके सामने आता है और आपसे कहता है कि देखो ये आपका जिंदगी बदलने का रास्ता है, अगर इसे तुम देख लो तो। आप ईश्वर से आज के बाद कभी भी, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कभी भी वो उनसे शिकवा गिला नहीं कर सकते, ईश्वर आपने मुझे मेरी जिंदगी बदलने के लिए कोई रास्ता नहीं बताया। फ्रेंड्स, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि सिर्फ शॉप बदल के, FMCG प्रोडक्ट चेंज करके मेरे पास वो सारी लाइफ स्टाइल आ सकती है, जो मेरी लायबिलिटीज थी वो एसेट में क्रिएट हो सकता है, जो मुझे दिखा और इसलिए आज मैं आपके सामने। करना क्या है, सिंपल सा, आपको ADR बनना है, आधार देना है, बैंक डिटेल, अकाउंट, बैंक अकाउंट देना है, और ईमेल और मोबाइल नंबर देना है। करना क्या है, फिर घूम के हम आ गए आपके पास। वाई क्यों करना है, आपके सपनों के लिए करना है, आपको अपने ड्रीम्स के लिए करना है। और हाउ क्या होगा, कैसे होगा, 10% है सिर्फ प्रोडक्ट की तो यूज करना है, लेकिन 90% फ्रेंड्स इसमें आपका 90% वाई है। वाई हमारा कहाँ से आता है, ड्रीम्स है, जो हमारी जरूरत है, हमारी चाहत है, जो इच्छा है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें ऐसे एसोसिएशन से पता चलता है। एसोसिएशन हमें कहाँ से मिलता है, कहते हैं ना जैसी रंगत संगत वैसी रंगत होती है। एसोसिएशन हमें कहाँ से मिलता है, हमें BWW सिस्टम से मिलता है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। और इस BWW सिस्टम में करना क्या होता है, सिंपल, जैसे आज आप एक घंटा अपना टाइम निकालें जिंदगी को संवारने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आपने जूम मीटिंग अटेंड कर ली, इसके बाद सिंपल आपको CD सुननी है, मैंने बताया, जो हमारे जैसे थे और आज वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं तो इसमें एक नासा के साइंटिस्ट भी इस बिजनेस को कर रहे हैं और एक टायर बना पंचर वाले भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। फ्रेंड्स चेक कर लीजिए हम कहाँ पे होते हैं, अगर हम भी आ रहे अंदर, हमारे सपनों में दम है ना, हमारी जरूरतों को हम अगर एक एसेट में क्रिएट कर सकते हैं तो हमारी भी CD बन सकती है, अगर आप चाहें तो। बुक्स को पढ़ना है जैसे मैंने बताया कि वो पढ़ना है, और 100% प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट का बिजनेस है ना, हमें ओल्ड ब्रांड को चेंज करना। आज 99% लोग ब्रांड यूज करते हैं, तो क्यों ना नंबर 1 ब्रांड यूज करिए, उसी से आपके बैंक में पैसा आता है। आपने नहाया, आपके बैंक में पैसा आया, आपको फील हुआ क्या, मुझे फर्स्ट डे से हो गया था, इसीलिए हमने उसे चेंज किया और आज हम आपके सामने हैं। उसके बाद हमने क्या किया, जिनकी हम केयर करते हैं, जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जो अपने होते हैं, हमें सिर्फ उनकी लिस्ट बनानी है। शादी होती है ना, आप लिस्ट बनाते हैं ना, लिस्ट बना के सबको इनवाइट करते हैं, सिंपल इसी तरह से करना है। और इसके बाद जो हमारा हाउ 10% वो कैसे क्या करना है इस बिजनेस में, सिंपल यही 5 काम करने हैं। आप सोच के देखिए, यही 5 काम सिर्फ आपको डुप्लीकेट करना है और आपके पास वो एक पार्ट टाइम में 1-2 लाख की इनकम आ रही है, बिना कहीं अपनी प्रेजेंट टाइम की अर्निंग को डिस्टर्ब किए बिना। क्या आपको विजुलाइजेशन हो गया, अगर हो गया तो नेक्स्ट आपके लिए रहता है कि मेरा पहला गोल क्या है। जो भी नए लोग आए हैं, आपने आपको जिसने इनवाइट किया है, आप उनसे कहिए मुझे क्या करना है, सिंपल आपको ADR से ADS में कन्वर्ट होना है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, सिंपल सा 3 PC बनाने, प्रेफर्ड कस्टमर बनाने, कुछ प्रोडक्ट यूज करने हैं और एक ऑनलाइन आपका असेसमेंट होगा जो KPMG के द्वारा होगा और आप क्या बन जाएंगे, MWay डायरेक्ट सेलर। थैंक यू सर, यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है आपको लग रहा है, लेकिन मुझे ये लगा कि यहाँ से आज यहीं से आपका अब ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हुई है। कारण क्या था, आज बहुत सारे जो नए लोग थे जिनसे मैंने बात किया, वो किसी के भाई होंगे, किसी के बहन होंगे, किसी के पेरेंट्स होंगे, सबके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स जैसे मैं हूँ, मेरी फैमिली है, ऐसे आप सबकी भी फैमिली है। सोच के देखिए, अगर मैं हस्बैंड की बात करूँ या जॉब जो जा रहे हैं, वो अपनी जिंदगी को दांव पे रख के जाते हैं, हम उनके लिए क्या कर इतना भी नहीं कर सकते क्या, हम अपने लिए अपनी फैमिली के लिए आज उनका अगर कहीं पे चोट लग जाए तो हम दुनिया इधर से उधर कर देते हैं, लेकिन ये तो पार्ट टाइम में 1-2 घंटा देने के बाद सिर्फ प्रोडक्ट चेंज कर अगर ये लाइफ स्टाइल होती तो हमें क्या करना है, टेक डिसीजन, निर्णय लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, एक बार है, आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने ड्रीम को तलाशना है, आपको नहीं मिलना, आपको जिसने बुलाया है आप उनके साथ बैठिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि यू कैन विन, क्यों? क्योंकि आपके बहुत बड़े ड्रीम्स है और वो जरूर फुलफिल होंगे, जैसे हमारे हो रहे हैं। तो
आप सब बहुत बेस्ट हैं, लेकिन ये बिजनेस प्रेजेंटेशन ऐसे खत्म नहीं होता है, क्योंकि जिन्होंने इसमें मेरी हेल्प की वो मेरे हस्बैंड राजेश जी हैं। सोच के देखिए ना, क्या ये रोटी बनाने में मेरी मदद करेंगे? कभी नहीं। मैं इनकी जॉब में कुछ मदद कर पाऊंगी? कभी नहीं। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में क्या है, हमारा गोल एक है, हमारा दृष्टिकोण एक है, और जिसकी वजह से आज मैं इस प्रेजेंटेशन को आपको देख रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है, अगर मैं लेडीज की बात करूं तो मैं सिंपल एक हाउसवाइफ हूं, और आज मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन रखा है। अगर मेरे जैसे साधारण लेडी अगर ये काम कर सकते तो आप लोग तो बहुत बेस्ट हैं। तो इसी के साथ मैं अपने क्राउन राजेश चौधरी जी को ये माइक देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, बहुत एक बार फिर से बहुत जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए वर्चुअल और इस खूबसूरत प्लान के लिए। और देखा आपने कैसे के हाउस वाइफ जो है किस तरह से बिजनेस वुमन बन जाती हैं। अगर हमारे जैसे सिंपल कपल कर सकते हैं तो आप हमसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमसे बहुत अच्छा कर सकते हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि इस बिजनेस में मैंने देखा नासा के साइंटिस्ट भी हैं, सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी इस बिजनेस में है, एक बस कंडक्टर भी इस बिजनेस में है, एक साइकिल पंचर बनाने वाले इस बिजनेस में है। तो उन्होंने अपना कोई ना कोई कारण जरूर ढूंढा इस बिजनेस में बनने का। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आप अपना कारण ढूंढिए, एक डिसीजन लीजिए आज। और जैसे हमने 4-5 साल पहले एक डिसीजन लिया था, उस डिसीजन पे हम लोग चलते रहे, पीछे मुड़ के नहीं देखा, कदम हमेशा आगे ही बढ़ाया और इस बिजनेस में और ग्रो कर रहे हैं, और आगे भी हम ग्रो करेंगे। और एक जिस तरह का आज कोविड का माहौल हुआ है, कोविड के माहौल की वजह से आज बहुत सारे लोगों की जॉब में बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज में भी हम ऑफिस जा रहे हैं। अगर आज की डेट में मेरे पास अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होती तो शायद हम कुछ छुट्टी ले लेते कुछ समय के लिए कि लेकिन आज ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास में कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के बारे में हम सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, अपने बच्चों के लिए हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आज की डेट में हम लोग की एज तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं हमेशा लोगों से शेयर करता हूँ, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में, कि आपको जैसे मैं सवाल पूछता हूँ लोगों से कि आपको अपने अपनी फैमिली, अपनी पेरेंट्स, अपने कलीग के चेहरे पे खुशी कैसी लगती है, तो लोग कहते हैं सर बहुत अच्छी लगती है। तो मैं पूछता हूँ अगर खुशी के पीछे अगर कारण अगर आप हो तो कैसा लगेगा, सोच के देखिए तो और अच्छा लगेगा ना। तो और खुशी का कारण जो है और कितनी मतलब ये लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है। कई बार हमें लगता है कि सक्सेस का मतलब हमारी अपनी सक्सेस है, लेकिन इस बिजनेस में आके पता चला सक्सेस का मतलब लोगों की सक्सेस है। मेरी वजह से कितने लोगों ने अपने घरों की गाड़ियां बदली हैं, वो सक्सेस है। मेरी वजह से कितने 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 लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो सक्सेस है। मेरी वजह से कितने लोगों ने अपने घर बदले हैं, वो सक्सेस है। फ्रेंड्स, तो आइए, जॉब बहुत अच्छी है, हम जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन क्या और अच्छा नहीं कर सकते? इस बिजनेस में मैंने शुरुआत में ड्रीम्स की बात करी थी, इस बिजनेस की शुरुआत सपनों से होती है, इस बिजनेस की शुरुआत सपनों से होती है, और लेडीज के सपने जैसे मैंने कहा था बहुत बड़े होते हैं। इसी वजह से इस बिजनेस में बहुत सारी लेडीज जो है कामयाब हैं, और वो अपने अपने जो है हस्बैंड से की हस्बैंड की जो जॉब की जो सैलरी ना उससे ज्यादा इनकम जनरेट कर रही है और अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है। फ्रेंड्स, तो आ जाइए एक बार फिर से, मैं बस कंक्लूड करूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, और जो है डिसीजन लीजिए और इस बिजनेस को ज्वाइन करिए। बहुत ही औसम अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, और मैं इसको यहीं पर खत्म करता हूं, और जो है हमारे स्वतंत्र सर को मैं वापस करता हूं। थैंक यू सर, बैक टू हो सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही शानदार। सबसे पहले तो मैं अपने तहे दिल से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन किया। उसके बाद